बालाजी मेरे घर आना, काम थकते हनुमान बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना, बाबा जी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना, बाबा जी मेरे घर, काम थकते हनुमान बालाजी मेरे घर। कहते हैं भारत की भूमि को यदि कोई स्पर्श करता है तो वो सीधा स्वर्ग की अनुभूति करता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, रंग, रूप, वेशभूषा और संस्कृति के साथ साथ पहाड़ियों, वादियों, नदियों, त्योहारों और मान्यताओं का समावेश है। इतना ही नहीं, भारत की सुंदरता को दुनिया से अलग करती है यहाँ के अलग अलग जाति और धर्म के अनुसार यहाँ के धर्म स्थल, जिसे यहाँ के लोग अपने जीवन से अभिन्न नहीं कर सकते। स्थलों को सीधा आपके घर तक पहुंचाने का यह बीड़ा उठाया है आपके अपने प्रिय दिशा चैनल ने। तो आइए, दिशा चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको लेकर चलते हैं एक और पवित्र यात्रा की कड़ी में, जो आपके तन मन को पावन कर देगी। नमस्कार दर्शकों, दिशा टीम की ये मुहिम रही है कि समय समय पर आप सभी को देश के कोने कोने में स्थापित विभिन्न प्रतिमाओं के दर्शन कराता आया है। उसी कड़ी में आज हम निकल चुके हैं दिल्ली से कम 255 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में। दर्शकों, हमारा ये मकसद रहा है कि हम आपको हर छोटी से छोटी चीज के बारे में बताएं। तो चलिए चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि मेहंदीपुर बालाजी के दरबार तक पहुंचने के लिए दिल्ली से दो प्रकार के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। एक मार्ग है दिल्ली, गुड़गांव और भिवाड़ी होते हुए, और दूसरा मार्ग, दर्शकों दूसरा मार्ग हम आपको बताएंगे नहीं, बल्कि आपको अपने साथ लेकर चलेंगे उस मार्ग पर। तो चलिए हम और आप मिलकर चलते हैं इस पवित्र यात्रा में। हमारी टीम दिशा ऑफिस प्रीतमपुरा दिल्ली से निकल चुकी है मेहंदीपुर दरबार पहुंचने के लिए। इस वक्त हम दिल्ली कश्मीरी गेट बस अड्डे पर पहुंच गए हैं। कहते हैं ये दिल्ली का सबसे पुराना बस अड्डा है, जिसे भारत के वीर योद्धा महाराणा प्रताप सिंह बस अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, इसीलिए यहाँ की हर बात अन्य जगह से भिन्न है। और यहाँ से होते हुए हम राजघाट की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
आखिरकार मेहंदीपुर के पावन स्थल तक पहुंचने की यात्रा शुरू हो चुकी है। दिशा टीम अपने स्टूडियो से निकलकर दिल्ली के राजघाट तक पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं राजघाट की तस्वीरें यहां पर। राजघाट जितना अंदर से खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरत वहां की सड़कें हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये मार्ग निर्धारित किए गए हैं। राजघाट के अंदर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की समाधि बनाई गई है, जहां पर दिन रात ज्योत प्रज्वलित होती है। किसी ने सोचा न था कि मेहंदीपुर बालाजी का सफर इतना आनंदमय होगा। दर्शकों, बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा यहाँ पर, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर हम आपको दिशा यात्रा करवाएंगे जगह जगह पर। इस मार्ग पर जो भी अद्भुत चीज हमें मिलेगी, हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो हमारे इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आप तक पहुँचने वाली है। दिल्ली से होते हुए नोएडा पहुंचे, जहां का एक्सप्रेसवे आज हर जगह मशहूर है। यही वो स्थान है जहां फॉर्मूला वन की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। यह ट्रैक विश्व के बेहतरीन ट्रैक में से एक है, जिसे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि हम लोग हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। इतना अद्भुत बना हुआ है ये इंटरनेशनल सर्किट, जिसे आज कंट्री में इंक्लूड किया जाता है बेस्ट रेस के लिए। यहाँ पर जब हम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के सामने खड़े हैं, तो मैं आपको जरूर इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 19 अक्टूबर 2011 को, और 30 अक्टूबर 2011 को यहाँ पर रेस आयोजित की थी, जिसे हम सब F1 रेस के नाम से जानते हैं। और हम सब कहें या छोटे छोटे बच्चों ने भी इस रेस का, इस जो माहौल यहाँ पर हुआ था, उसका लुत्फ उठाया था। दर्शकों, इस यात्रा में बहुत सारी चीजें अभी बाकी है, तो आप इस यात्रा को सुनिए ही मत, बल्कि हमारे साथ इस पवित्र यात्रा को महसूस कीजिए। जब हमारी टीम इस मार्ग से बजरंग बली के दरबार की ओर जा रही थी, उस दौरान हमने कुछ लोगों से बात की, तो पता चला कि वो भी इस मार्ग से होते हुए मेहंदीपुर जा रहे थे। बालाजी के बारे में आपको जानकारी के बहुत ही हमारे हम नहीं, काफ़ी लोग, जितने लोग जाते हैं, सबकी जो परेशानियां होती हैं, मनोकामना होती हैं, वे लोग वहाँ मांगते हैं, उनकी पूरी होती हैं। अब जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि हम हर महीने एक बार जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और महीने में कभी दो बार भी हो जाते हैं, कभी महीने में 3 बार भी हो जाते हैं, और पूरा परिवार जाता है। बच्चे आजकल स्कूल में हैं, इस बार मैं अपनी माँ को भी साथ में लेकर जा रहा हूँ। हाँ, काफ़ी बुजुर्ग हैं वहाँ पर। हमारी माँ हर महीने कुछ ना कुछ, कभी 100 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये हर महीने भेजती हैं, और उनकी जो मनोकामना होती है अपने घर पर बैठ के मांग लेती। काफ़ी बुजुर्ग हैं, चलने में परेशानी होती है, और इस बार मैं, मेरी पत्नी और
ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये जो यात्रा हमने शुरू की है, यहाँ पर मेहंदीपुर जाने वाले एक भक्त से यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है। आप देख सकते हैं ये यात्रा जो हमने शुरू की है वो कितना शुभ है कि मार्ग में न सिर्फ अच्छी अच्छी और अद्भुत चीजें मिल रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ ऐसे श्रद्धालु भी मिल रहे हैं जो इस दरबार में एक बार नहीं बल्कि महीने में दो या तीन बार जाते हैं। दर्शकों, दिशा चैनल ने जो ये मुहिम शुरुआत की है यात्रा दिखाने की, आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को जरूर बोलूंगी कि वहां पर देखिए उनकी गाड़ी पे भी लिखा है मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी। दर्शकों, सालासर बालाजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, कुछ दिनों पहले ही दिशा चैनल के माध्यम से आपने इनकी महिमा के बारे में जाना और आज आप मेहंदीपुर की यात्रा का पावन लुत्फ उठाने की तैयारी में लग जाइए क्योंकि बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। तो हमारे इस यात्रा में हमारा साथ देते रहिए। इसी मार्ग से होते हुए हम वृंदावन पहुंचे, जहां हमने श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जाना। इस वक्त हम खड़े हैं वृंदावन की पावन धरती पर, जहां पर मैं आपको दिखा दूं कि वो जो आपके समक्ष बोर्ड दिख रहा है, वहां से वृंदावन की सीमा 2 किलोमीटर बाद शुरू हो जाएगी। उसके आगे यदि आप चलेंगे तो आपको परिक्रमा रोड मिलेगी, जिसके बाद हम मान के ये चल सकते हैं यहां से 12 से 15 किलोमीटर के बीच में बिहारी जी का मंदिर है, उससे पहले आपको यमुना जी के भी दर्शन होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर अन्य बहुत सारे ऐसे पवित्र स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यूं मान ले देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से पर्यटन यहाँ पर हर रोज आते हैं। स्कॉन टेंपल की बात कर लें, प्रेम मंदिर की बात कर लें या निधि वन की बात कर लें, ये तमाम बातें विश्व विख्यात है। निधि वन के बारे में यहाँ पर जरूर मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगी कि निधि वन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने राधा जी के साथ एक रात के लिए रास रचाया था और उसके बाद से प्रत्येक रात्रि में वो यहाँ पर आते हैं और उनके साथ रास रचाते हैं। लेकिन मान्यता अनुसार उस रास को यदि कोई देख लेता है तो वापस नहीं लौटता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इस मार्ग की विशेषता है जो मैं आपको बताना नहीं चाहूंगी बल्कि दिखाना चाहूंगी, इसलिए लगातार इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद हम श्री कृष्ण के जन्म स्थान यानी मथुरा पहुंचे, जिसे जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है। पहले राजघाट, फिर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, उसके बाद वृंदावन और अब हम पहुंच चुके हैं मथुरा, जिसे कृष्ण की जन्मस्थली भी कहते हैं। दर्शकों, इस वक्त आप देख सकते हैं ये मथुरा की नगरी है यहाँ पर और मेरे पीछे यहाँ पर यमुना बह रही है। इस स्थल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण ने कारागार में जन्म लिया था और जिसे उसी रात को जन्म लेने के बाद कंस के भय से वासुदेव बाबा इसी यमुना से बालक कृष्ण को अपनी एक टोकरी में बिठा कर वृंदावन लेके गए थे और वहाँ पर उन्हें छोड़ आए थे। इस नगरी के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। यहाँ पर कहा जाता है यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर गोवर्धन पर्वत भी है, जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया था और इंद्र के प्रकोप से गांव वालों की रक्षा की थी। और साथ ही साथ आज भी देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं गोवर्धन की प्रक्रिया के लिए। हर स्थान के बारे में आपको जानकारी देते हुए हम कब भरतपुर पहुंच गए कि रास्ते की दूरियों का पता ही नहीं चला। दर्शकों,
दिशा चैनल के इस दिशा यात्रा में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं भरतपुर में, जहां की बहुत सारी चीज़ें फेमस है, जिसमें से एक है यहां की बर्ड सेंचुरी, जिसको लोग घना के नाम से भी जानते हैं और कहते हैं ये बहुत घना जंगल है और इसकी कई विशेषताओं के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की होगी, कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। यहाँ से लगभग ये जगह 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही साथ इस जगह के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी आखिर किस वजह से इसका नाम भरतपुर पड़ा। कहते हैं राजा दशरथ के दूसरे बेटे और भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम से इस जगह का नाम पड़ा है। जो भी चीज़ें दिशा यात्रा इस वक्त आपको दिखा रहा है, ये तमाम चीज़ें उस मार्ग पे पड़ती हैं जहां पर इस वक्त दिशा चैनल की टीम जा रही है। यहां से हम अब सीधे जयपुर हाईवे से होते हुए मेहदीपुर बालाजी के दरबार में पहुँचेंगे और वहाँ बालाजी के दिव्य दर्शनों को आपको दिखाएंगे और क्या कुछ उसके विशेषताएं हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देते रहेंगे। दर्शकों, हमारा मकसद सिर्फ आपको मेहदीपुर दरबार के बारे में ही बताना नहीं है, बल्कि मार्ग में मिले स्थानों से क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंचा सके इसके विषय में अवगत करा रहे हैं। इसी प्रकार जयपुर हाईवे से होते हुए हम मेहंदीपुर दरबार के निकट पहुंच गए हैं। यहां से बस कुछ ही दूरी पर ही है बालाजी का दरबार। इस वक्त हम खड़े हैं आगरा जयपुर हाईवे रोड पे, जहाँ पर आप ये बोर्ड देख सकते हैं, लिखा हुआ है बालाजी का दरबार। यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, हमारी टीम सुबह से निकली हुई है इस मंजिल तक पहुँचने के लिए। मार्ग में हमारी टीम ने आपको बहुत ही अद्भुत स्थानों के दर्शन कराए, उनके बारे में बताया और अंततः हम अपने मंजिल तक पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पहाड़ियाँ हैं, ये सब बालाजी की कृपा का ही प्रभाव है कि यहाँ पर सब कुछ, कहते हैं राजस्थान में सूखा होता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से हरियाली है, चारों ओर पुष्प हैं। और अभी तो यहाँ से सफर शुरू हुआ है, बस 6 किलोमीटर की दूरी और है और हम बालाजी के दरबार पर पहुँच जाएंगे। मंदिर के पास ही यात्रियों के ठहरने के लिए विभिन्न प्रकार की धर्मशालाएं बनाई गई हैं, जहां पर हर प्रकार के इंतजाम किए गए हैं, जिससे यात्रियों को खाने पीने से लेकर हर प्रकार की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। मंदिर में बाबा के दर्शनों के लिए आए भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसी कारण से मंदिर से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी से ही व्यक्तिगत वाहनों का अंदर आना मना है। इसी कारण से वहां पर ऑटो रिक्शे के इंतजामात किए गए हैं, जिनसे कई घरों का पालन पोषण भी किया जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं हम मेहदीपुर बालाजी के दरबार के समक्ष खड़े हैं, जहां मौसम बहुत ही सुहावना है। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि आप जो मेरे ये पीछे धर्मशालाएं देख रहे हैं, ओम प्रकाश अग्रवाल सेवा सदन, हम
और दिशा टीवी की पूरी टीम के साथ साथ अन्य श्रद्धालु जो दूर दूर से आए थे वो यहाँ पर ठहरते हैं। इस जैसे अन्य बहुत सारे धर्मशालाएं हैं जहाँ पर लोगों को रहने का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रबंध किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जो मेरे पास ये ऑटोज देख रहे हैं, कहना है कि यहाँ से बालाजी का मंदिर शायद लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन गाड़ियों का वहाँ जाना बंद है। इसके पीछे का क्या रहस्य है, हमारे साथ एक ऑटो वाले भैया हैं, उनसे जानेंगे। भैया सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम शिवचरण गोस्वामी है, स्थानीय निवासी यहीं का रहने वाला। जी भैया, यहाँ से ऑटो से क्यों जाया जाता है? जब लोग दूर दूर से गाड़ियों से आते हैं तो गाड़ियाँ कहते हैं कि यहाँ पर पार्किंग पर खड़ी कर दी जाती है, तो उसके पीछे का क्या कारण है? जी, अंदर मार्केट में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, इस वजह से बाहरी साधनों का और जो बाहर से आए हुए ज़्यादा साधनों का प्रवेश निषेध है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ में इतनी भीड़ हो जाती है मंगल शनिवार को कि केवल बिना साधन के लोग खाली निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ सही व्यवस्था है और मंगल शनिवार को परमानेंट बंद रहता है, ये बाकी दिन भारी साधन बंद रहते हैं। भैया, आप यहाँ पर कब से ऑटो चला रहे हो कि यहाँ से भक्तों को मंदिर तक पहुँचाने का कार्य कितने सालों से कर रहे हो? जी, मुझे लगभग 4-5 साल हो चुके हैं यहाँ पर ऑटो चलाते हुए और सही व्यवस्था मेरी नज़र में यहाँ पर प्रशासन ने कर रखी है। जी, ऑटो, आप सिर्फ ऑटो चलाते हैं या इसके अतिरिक्त भी आपके जीवन यापन करने का कोई साधन है? क्योंकि लगभग शायद यहाँ से, मैं गलत नहीं हूँ, तो 1.5 किलोमीटर का ही सफ़र है। जी, तो इतनी दूरों का जो डिस्टेंस है उसमें कम से कम आपके किराए कितने लेते होंगे आप? जी, इसमें तो किराया तो 10 रुपये सवारी के हिसाब से भी लिया जाता है और इकट्ठी सवारी से कम भी ले लेते हैं, उससे कोई निर्णय नहीं है। लेकिन जो दूरी है मंदिर की उसमें VIP सवारी ज़्यादातर ऑटो में बैठ के जाती है। तो इससे आपके परिवार का यापन हो जाता है? जी, बालाजी महाराज चरणों में सबका यापन होता है, तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिल रहा है बालाजी महाराज की उस कृपा से। जी, आप यहाँ से यात्रियों को वहाँ तक छोड़ते हैं, वहाँ से उन्हें यहाँ तक लेके आते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा कि यात्रियों की क्या प्रक्रिया होती है इस मंदिर को लेकर। जी, अच्छी श्रद्धा है और लगभग ऑल इंडिया से यात्री यहाँ पे आता है और जो भी संकट होता है या फिर अपनी मन्नत मांगने के लिए हर दूर से यात्री यहाँ पे आता है और सबकी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। किस तरीके की आपने अब तक जो श्रद्धा देखी है, कितने व्यक्ति हैं कि दूर दूर से बार बार मनोकामना की पूर्ति लेकर जो यहाँ पर आते हैं, बेसिकली क्या उसके पीछे का क्या रहस्य होता है? किस प्रकार के व्यक्ति ज़्यादा आते हैं, किस दुविधा में होते हैं, क्या समस्या शारीरिक रोगों को लेकर या कोई मन्नत मांगने की स्थिति को लेकर? क्योंकि बहुत सारे लोग धार्मिक स्थल का अपना अलग अलग महत्व है, यहाँ किस पर्पज़ से आते हैं वो लोग? जी, यहाँ पर ज़्यादातर अपनी मन्नत मांगने के लिए और जो भी ऊपरी संकट होता है उसके निवारण करवाने के लिए यहाँ पे हर प्रकार का ही व्यक्ति आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ऑटो, यहाँ पर बहुत सारे ऑटो हैं, जैसा कि भैया ने बताया कि आगे चलकर शायद भीड़ के कारण से वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी की कितनी मान्यता है और दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। अभी हमने भी यहाँ से सफ़र शुरू कर दिया है बालाजी के दरबार तक जाने का। रास्ते में जो कुछ भी हमें लगेगा कि आप तक जानकारी पहुँचानी है, हम आपको देते रहेंगे। तब तक इस यात्रा में जैसे कि अब तक आपने हमारा साथ दिया, आगे भी बने रहिए। कहते हैं यहाँ की आरती में सम्मिलित होने हेतु यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। मान्यता अनुसार आरती में प्राप्त जल की बूंदें यदि शरीर पर पड़ती हैं तो व्यक्ति की सभी बीमारियां, ऊपरी बाधा और कष्ट पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। करीबन 255 किलोमीटर की दूरी सफर करके आखिरकार दिशा
टीवी की टीम पहुंच गई है अपने इस डेस्टिनेशन पॉइंट पे, बालाजी के दरबार पे। आप देख सकते हैं मेरे समक्ष पीछे ये बालाजी का गेट है, मेन गेट है जहां से श्रद्धालु एंटर होते हैं। बालाजी का नाम यहां पर भक्तगण बालाजी इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहां पर बजरंग बली का बाल स्वरूप विराजित है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो मंदिर है किसी महंत किसी पुजारी ने नहीं बनवाया है, बल्कि ये स्वयंभू मूर्ति है जो करीबन 700 साल पहले यहाँ पर अपने आप यहाँ पर स्वयंभू हुई थी और इस मूर्ति की प्रतिमा आज भी उसी तरीके से है। साथ ही साथ इन्हें घाटा वाले मेहंदीपुर बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस पवित्र स्थल की पवित्रता और महत्वता के बारे में। बजरंग बली का ये अद्भुत मंदिर लगभग 700 साल पुराना है और यहाँ पर स्थापित बाबा जी की मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बल्कि स्वयंभू है। कहा जाता है कि ये मंदिर दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसीलिए इन्हें घाटे वाले बाबा भी कहते हैं। काटो मेरे दुख के बंधन हे महावीर बजरंगी, तुम कहते हैं दुख भंजन। मंदिर के गर्भगृह के मध्यस्थ बजरंग बली अपने बाल स्वरूप में विद्यमान हैं, जिनके दर्शनों के लिए श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आते हैं और उनकी आकृति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मुझ पर भी करुणा करना, मैं आया शरण तुम्हारी, मैं जोड़े हाथ खड़ा हूँ तेरे दर का बना भिखारी, तुम सबसे बड़े भंडार। बजरंग बली की प्रतिमा की बाईं ओर शंकर जी के साथ माता अंजनी की और दाहिनी ओर ठाकुर जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। कहते हैं दुख भंजन, मेरी सुन। मंदिर से निकलते ही भैरव मंदिर है मेरे दुख के, और उन्हीं के ऊपर प्रेतराज महाराज जी का मंदिर है जहां पर मान्यता अनुसार यहां के दर्शन मात्र से ही बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तेरा नाम बड़ा दुनिया में सब तेरा। मेहंदीपुर बालाजी का धाम तो काफ़ी दूर से जाना जा रहा है। हम करीब 9-10 सालों से आ रहे हैं और बाबा के साक्षात दर्शन होते हैं जब सामने देखते हैं कि संकट वालों को कैसी आती है, वहाँ कोई रहता नहीं, यहाँ पर बाबा का ही शासन चलता है। पौराणिक गाथाओं को किताबों के माध्यम से जो पढ़ा है उसके आधार पर यही ज्ञात होता है कि ये स्थान बहुत ही पवित्र सच्चा और अनूठा है। बालाजी के प्रति अपने अंतर्मन में श्रद्धा और विश्वास, और ये लोग जो कुछ भी करते हैं वो भगवान को साक्षी मानकर करते हैं। इसमें कई प्रकार के लोग आते हैं जिनके साथ कोई शारीरिक बीमारियाँ, कुछ भूत प्रेत की बाधाएं, कुछ ऊपरी समस्याएं, और कईयों के साथ कई प्रकार की इस तरह की बातें होती है जो उनके जीवन के अंदर में शायद एक अंतिम मोड़ भी प्रतीत हो सकती हैं। जिस तरह कोर्ट चलती है उस तरह बालाजी का दरबार चलता है, और ऐसा माना जाता है कि स्वयं बालाजी उस दरबार के अंदर इनके शरीर के अंदर विराजमान होते हैं और जो भी न्याय करते हैं वो बालाजी स्वयं करते हैं, और इस दरबार का जो आदेश होता है वो एक आखिरी आदेश माना जाता है। तो रोगों से, भूत प्रेत की बाधाओं से,
और तमाम प्रकार की अड़ी अड़चनों से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं जिनके यहाँ बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, उन हादसों से भी उबारा है बालाजी ने। राम भक्त हनुमान बालाजी मेरे घर आना, राम भक्त हनुमान बालाजी। कहते हैं यहाँ बजरंग बली को प्रतिदिन 56 भोग लगाए जाते हैं जो करीबन 350 किलो के होते हैं और वो जयपुर से मंगवाई जाते हैं। शाम की आरती के बाद वहाँ आए भक्तों में वितरित की जाती है। इतना ही नहीं, हफ्ते में 3 दिन बजरंग बली को सोने का चोला चढ़ाया जाता है और इन सब कार्यों में जितनी भी लागत आती है वो यहाँ की ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यहाँ पर भक्तों द्वारा प्रसाद विभिन्न प्रकार से बनवाए व खरीद कर चढ़ाए जाते हैं, जिनमें से सवा मणि प्रसाद प्रमुख है। ये 5 रुपए की अरदास होती है। अरदास आने वाले के लिए हर आदमी के लिए हाजिरी है। बाबा के दरबार में 5 रुपए की हाजिरी लगाना ज़रूरी है। अगर हम बाबा तेरे दरबार में आए हुए हैं, ये हाजिरी होती है। इसके बाद एक अर्जी लगती है अपने मनोकामना की, किसी भी परेशानी दुख तकलीफ मनोकामना की जो भी हो, 181 रुपए की अर्जी लगती है। इसमें 3 थाल होते हैं, 1.25 किलो लड्डू, 2.5 किलो उड़द, 2 किलो और 4 किलो चावल की थाली। इनका भैरव बालाजी के लड्डू का भोग लगता है, भैरव जी के प्रेतराज का भोग, भैरव जी के उड़द का भोग लगता है, प्रेतराज के चावल का भोग लगता है। तीनों दरबार में भोग लगता है। भोग लगने के बाद एक रात भोग का पैकेट देते हैं बाला दरबार से मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, फ्री सेवा है। ये लाल वाला पैकेट, ये पैकेट देते हैं प्रसाद का जो उनको अपने घर ले जाने के लिए मुखिया को देते हैं। ये प्रसाद का अर्जी का, ये बालाजी का भोग है, फिर भैरव प्रेतराज का भोग और देंगे आप। सवा मणि कराने आई हूँ बाबा के दरबार में। सवा मणि मतलब यह रहता है कि बाबा के अपनी जो भी मनोकामना है, अपन सोचते हैं मेरा ये काम हो गया तो मैं सवा मणि कराऊंगी, तो वो भोग अपन भगवान को अर्पित करते हैं, उसको अपन सवा मणि कहते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी काम नहीं है जो यहाँ पे से सिद्ध नहीं हुआ है। मेरे बच्चों की पढ़ाई, हस्बैंड का बिजनेस, सब कुछ ये बालाजी की कृपा है। मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे बालाजी ने क्या दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज जो मैं इस लेवल पे हूँ, सब कुछ बालाजी की कृपा से ही है। मेरे बेटे का जॉब नहीं लग रहा था, इंजीनियरिंग हो गया था, उसका इंटरव्यू क्लियर ही नहीं हो रहा था और उसके 15 दिसंबर को मैंने अर्जी बनाई और 4 जनवरी को उसका इंटरव्यू कॉल आ गया और एक कॉग्निजेंट कंपनी में उसका सिलेक्शन हुआ। मेरा बेटा CPT की एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट हुआ जब मैंने यही बाबा 15 तारीख को आए इंदौर में, अर्जी बनवाई और उसके बाद 15 जनवरी को उसका रिजल्ट आया, वो क्लियर हो चुका था। मेरे हस्बैंड बिजनेस कुछ और करते थे, बस बाबा से यही बोला कि मुझे कुछ अच्छा बिजनेस मिले। 2 महीने के अंदर हमारा पूरा बिजनेस चेंज हो गया। मंदिर के बाहर कई सारी दुकानें हैं जहां प्रसादों के साथ साथ मेहंदीपुर बालाजी की प्रतिमा, मूर्तियां, लॉकेट, साज सज्जा और राजस्थान की प्रसिद्ध चीजें आदि मिलती हैं, जिसे दूर दराज के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु खरीद कर अपने साथ लेकर जाते हैं। रघुपति की नी बहुत बड़ाई।
मंदिर के बारे में कई सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें वही समझ पाता है जो यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ के बारे में शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। दिशा टीवी की टीम जब बजरंगबली के इस पावन स्थान पर पहुंची तो श्रद्धालुओं की भीड़ और वहां की महिमा के बारे में जानकर आश्चर्यचकित रह गई। तो हम चाहते हैं कि आप भी एक बार मेहंदीपुर की पावन स्थल के दर्शन करने अवश्य आएं। दर्शकों, आइए अब हम जानते हैं कि क्या मेहंदीपुर बालाजी तक पहुंचने के सरल मार्ग हैं। मेहंदीपुर बालाजी का दरबार दौसा जिले में स्थापित है, जो कि जयपुर से लगभग 99 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग द्वारा आप दिल्ली, जयपुर और आगरा तक पहुंचकर वहां से कार, बस या रेल के माध्यम से पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से जाने वाले यात्रियों के लिए आगरा, जयपुर, अलवर, भरतपुर और दौसा नजदीकी रेलवे स्टेशन हैं। यदि श्रद्धालु अपने साधन बस आदि से जाना चाहते हैं तो आगरा, जयपुर अथवा अलवर, महुआ या फिर मथुरा, भरतपुर होते हुए आसानी से पहुंच सकते हैं। दर्शकों, यह तो थी मेहंदीपुर की यात्रा का सफर, लेकिन यह यात्रा यहीं पर समाप्त नहीं होती। अगली बार हम और आप फिर मिलकर चलेंगे एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना प्रिय दिशा टीवी, भारत का पहला मानव विकास न्यूज चैनल। जय बजरंगबली। बालाजी मेरे घर थकते हनुमान, बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना, बाबा जी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना, बाबा जी मेरे